दोस्तों आईपीएल 2021 का फेज टू 19 सितंबर से यूएई में जो है वो हो रहा है शुरू, जिसके पूरे शेड्यूल का अनाउंसमेंट रिसेंटली बीसीसीआई ने जो है वो कर दिया है। यहां पर दोस्तों जब से शेड्यूल का अनाउंसमेंट हुआ है तब से काफी बड़ी बड़ी अपडेट टीमों को लेकर जो है वो आ रही है, और तीन टीमों को लेकर यहां पर बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिनके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आप कौन सी टीम को कर रहे हैं सपोर्ट UAE में, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। सबसे पहली जो खबर है वो है दोस्तों यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को लेकर, और जो खबर है वो है दोस्तों यहां पर रिलेटेड वनिंडू हसरंगा के। वनिंडू हसरंगा की दोस्तों अगर हम बात करें तो रिसेंटली इंडिया और श्रीलंका के बीच जो T20 सीरीज हुई है और ODI सीरीज हुई है उसमें ये पूरी तरीके से छाए रहे थे। बहुत ही कमाल के ये स्पिनर हैं जिन्होंने हर एक बल्लेबाज को जो है वो तंग किया, खासकर संजू सैमसन को तो बहुत ही ज्यादा तंग करते हुए हसरंगा जो है वो नजर आए थे। और इस सीरीज के बाद ये चीज कंफर्म हो गई थी कि आईपीएल के अगले ऑक्शन में इनकी डिमांड जो है वो बहुत ही तगड़े में होने वाली है। लेकिन दोस्तों ऑक्शन से पहले ही यहां पर जो यूएई का फेज टू खेला जाना है उसमें हमें हसरंगा जो है वो खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर चार ऐसी टीमों के नाम सामने निकल कर आए हैं जो कि हसरंगा को अप्रोच कर रहे हैं एज अ रिप्लेसमेंट। और उनमें से दोस्तों एक टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की भी सामने जो है वो निकल कर आई है, जो कि एडम जाम्पा के रिप्लेसमेंट के तौर पर हसरंगा को जो है यूएई में लाना चाहते हैं। आपको बता दें दोस्तों एडम जाम्पा आईपीएल 2021 को बीच में ही छोड़कर जो है वो चले गए थे, केन रिचर्डसन भी इनके साथ गए थे, रिचर्डसन का रिप्लेसमेंट टीम ने अनाउंस कर दिया था, लेकिन एडम जाम्पा का रिप्लेसमेंट अभी तक अनाउंस नहीं किया है। और जो अपडेट निकल कर आ रही है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम हसरंगा को जो है वो कर रही है अप्रोच। अब देखते हैं दोस्तों क्या ये अप्रोच मानी जाती है हसरंगा की तरफ से, क्या वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को ज्वाइन करते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। अब बात करें दोस्तों अगली अपडेट की जो कि आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर, जहां पर विनय कुमार जो कि पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं, मुंबई इंडियंस के स्क्वाड का भी हिस्सा रहे हैं, वो दोबारा से मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर रहे हैं, और इस बार वो एज अ टैलेंट स्काउट जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की टीम को। यानी कि अगले ऑक्शन से पहले जो न्यू टैलेंट स्काउट है वो बनाया गया है विनय कुमार को। बड़ी अपडेट मुंबई इंडियंस की तरफ से जो है वो निकल कर आ रही है। और बात करें दोस्तों तीसरी टीम की, तो लिस्ट में तीसरी टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी अपडेट ये कि पहली टीम दिल्ली कैपिटल्स की बन चुकी है जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है आईपीएल 2021 के फेज टू को लेकर, जहां पर असिस्टेंट कोच परवीन आमरे के साथ जो यंग प्लेयर हैं, जो न्यू प्लेयर हैं, वो यहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों टीम के पूर्व कप्तान यानी कि सुरेश अय्यर भी ट्रेनिंग कैंप को जो है वो कर चुके हैं ज्वाइन। तो बड़ी अपडेट दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लेकर भी आ रही है, जहां पर ट्रेनिंग दिल्ली कैपिटल्स ने जो है वो कर दी है स्टार्ट। तो दोस्तों इन तीन टीम्स को लेकर बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर आई थी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।